हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो, कैसा रहा आपका वीकेंड? अच्छे से इन्जॉय किया ना वीकेंड को? एंड चार्ट वगैरह प्रैक्टिस करी कि नहीं करी बताओ आप लोग। आज तो आप आई गेस कि आज मंडे आप लोग का वीक का फर्स्ट डे आप लोग का सही नहीं रहा होगा, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने हमें मेल किया कि क्या करें मार्केट में क्या करें। तो मैंने सोचा आज इसी पे टॉपिक पे क्यों ना हम स्विंग ट्रेडिंग वाली लर्निंग वीडियो इसी टॉपिक पे आज देख लें। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा आपको देख के समझ में आ रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश, हाउ आई मैनेज एंड हाउ आई हैंडल स्टॉक मार्केट क्रैश, मतलब मैं कैसे डील करती हूँ स्टॉक मार्केट क्रैश में। तो देखो, बहुत सिंपल है, आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा। अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, तो आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम हुआ होगा। बट देखो, ये स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है ना, ये अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी वाला बिज़नेस है। आपको नहीं पता कि आप कब इसमें फॉल आ सकता है एंड ऑल। आप बस अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। आपके हाथ में क्या क्या है, लाइक स्पोर्ट्स में जीतना हारना उनके हाथ में नहीं होता। उनके हाथ में क्या होता है कि वो अच्छे से खेलें एंड अपनी जो उन लोगों की स्ट्रैटेजी है वो उसको फॉलो करें। तो इसी तरह हमारा स्टॉक मार्केट जो हमारा बिजनेस है, इसमें हमारे हाथ में क्या होता है कि हम जो है रिस्क को मैनेज करें, मतलब हमारा पर ट्रेड रिस्क सेम हो, हम स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेड लें, हम इधर उधर न्यूज़ उसके पीछे ना भागे। जैसे मान लो न्यूज़ में आ रहा है क्रैश आने वाले, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपको चार्ट पे जब तक नहीं दिखे तब तक आपको वो नहीं मानना है। तो देखो, यहाँ से जो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे गया था, वहां से देखो अभी कितना फॉल हुआ निफ्टी में। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5% हुआ है, मतलब 4.71% फॉल हुआ है निफ्टी में। ऑलमोस्ट, चलो 5% अगर हम ले लेते हैं, 5% फॉल हुआ है निफ्टी में ऑलमोस्ट। सो आपको इससे आपको घबराना नहीं है। अब देखो, आपको चार्ट रीड करना है। एंड मैं कैसे इसको डील करती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा पर ट्रेड रिस्क जो है, मान लो अभी मेरे बहुत सारे पोजिशन ओपन है, मतलब मैंने स्विंग के ट्रेड्स लेके रखे हुए हैं अपने लिए। तो मान लो मुझे अगर मेरे वो 5-6 ट्रेड्स मान लो मेरे अभी ओपन है, तो अगर वो सारे के सारे 6 ट्रेड्स भी मेरे अगर लॉस में चले जाते हैं ना, तो मुझे पता है कि मेरा टोटल लॉस कितना होने वाला है, जो होता नहीं है। आपके सारे ट्रेड्स एक साथ लॉस में नहीं जाएंगे, बट इवन दो मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ कि मेरे अगर सारे ट्रेड्स रॉन्ग चले जाते हैं तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा मुझे पता है, क्योंकि मेरा ये जो पर ट्रेड रिस्क है ना, मेरे कैपिटल के हिसाब से 1% मेरा पर ट्रेड रिस्क है। तो मुझे पता है कि मेरा जो लॉस है ओवरऑल, मतलब मान लो कि अगर आपका 50,000 का कैपिटल है, आप 500 पर ट्रेड रिस्क लेते हो, आपके 6 पोजीशंस ओपन है, तो आपको पता है कि 3,000 आपका लॉस होने वाला है। अगर आपके 6 के 6 पोजीशंस अगर आपके लॉस में चले जाते हैं, तो आपका मैक्सिमम 3,000 का ही लॉस होने वाला है, उससे ज़्यादा आपको नहीं होने वाला है। तो ऐसा जब आप अपने लिए कैलकुलेट करके रखोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा इन सारी चीज़ों से, फॉल एंड ऑल से आपको डर नहीं लगेगा। एंड आप इधर उधर जो है ना, वो आप नॉइजेस नहीं ढूंढोगे, मतलब आप मार्केट के फॉल का रीज़न नहीं ढूंढोगे, आप सोशल मीडिया पे ये नहीं देखते चलोगे कि अब कितना फॉल आएगा और कितना फॉल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो 6 पोजीशन है, अगर वो मेरा मान लो अगर किसी का 1 लाख का कैपिटल है, इस तो उसे पता है कि अगर उसके 6 ट्रेड्स जो है, 6 के 6 ट्रेड्स अगर लॉस में चले जाते हैं, तो 6,000 का लॉस होने वाला है। तो अगर 1 लाख के कैपिटल में 6,000 का लॉस भी हो जा रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये कैपिटल वाइज डिपेंड करता है। मान लो किसी का 10 लाख का कैपिटल है, राइट, तो उन्हें पता है कि उनका 10 लाख का कैपिटल अगर है, तो उनका जो 60,000 का उनका लॉस होने वाला है। तो 10 लाख के कैपिटल में 60,000 लॉस हो भी जाता है, तो उनको ऐसा नहीं कि रात की नींद उनकी उड़ जाएगी। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा जो आपको बोलते रहती हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको आपको ना मार्केट में ये जो चीज़ें होती है, इससे आपको ये बचाता है, आप इमोशन लेस ट्रेडिंग कर पाते हो। एंड अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो इमोशन लेस ट्रेडिंग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारी चीज़ों से, डर, ग्रीड, होप, इन सारी चीज़ों से आपको ऊपर उठना होगा एंड आपको इमोशन लेस होकर ट्रेड करना होगा। मेरे भी बहुत सारे स्विंग के पोजिशन ओपन है, क्योंकि यहाँ तक देखो मार्केट में ऐसा कुछ था ही नहीं, गैप डाउन आज हो गया तब ना, अदरवाइज देखो यहाँ तक तो मार्केट में हमारा मूविंग एवरेज बिल्कुल राइजिंग था, राइट। यहाँ तक देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मूविंग एवरेज अच्छा हमारा राइजिंग चल रहा था। सो ये 2 दिन जो गैप डाउन हुए हैं, अब यहाँ पे भी देखो एक गैप बन गया, तो हम एंड में देखेंगे। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे, 2 गैप्स हमारे बन चुके हैं, तो हम एंड में देखेंगे इसका, ओके। चलो हम अपनी स्विंग की एनालिसिस करते हैं। तो डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें तो फॉल आते रहेंगे, अगर फॉल नहीं आएंगे तो फिर हम मार्केट में ट्रेड कैसे कर पाएंगे। तो कभी भी फॉल से घबराना नहीं है आपको,
राइट, बट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आपका जो भी कैपिटल है उसका 1% रिस्क ही ट्रेड करना हमेशा. जितने भी आपके ट्रेड्स होंगे उसमें सेम रिस्क आप लेना. एंड ये ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना ताकि आपको पता चले कि अगर आपने कोई मिस्टेक भी किया है तो वो आपको पता हो कि आपने यहाँ पे मिस्टेक करी है. मेरे पास आप जब से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ ना तब से मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल बना रही हूँ एंड मेरे पास एक एक छोटा छोटा मिस्टेक मैंने डेट वाइज लिख के रखा हुआ है कि इस डेट को मैंने ये मिस्टेक किया था. तो मेरे पास आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा. तो आप भी इसी तरह मेंटेन करो तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकोगे. ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है. अगर ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, ये वाली मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है ये. एंड ये शीट भी आप हमसे ले लेना, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नल दोनों शीट आप हमसे ले लेना, आपके लिए ये बना के रखी है हमने. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्कैनिंग. आपको अगर नहीं पता है तो हम डेली साथ में स्कैनिंग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए. तो देखो आपको वन बाई वन इस तरह से देखना है लाइव मार्केट में, जहाँ पे भी आपको ट्रेड सेटअप दिखे आपको वहाँ पे आपको देखना है. लाइव मार्केट में आपको देखते जाना है. सो देखो एंड ये सारे फॉल वॉल से घबराना नहीं है. न्यूज़ देख के तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, पैनिक में आपको भी सेल नहीं करना आपका जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो. जैसे मेरे जो 6-7 मेरे पास अभी स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशंस है बट किसी में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है. तो आज का फॉल देख के अगर मैं भी घबरा के कर दूँ तो ये तो फिर प्रोफेशनल वे नहीं हुआ ना. आपको वेट करना है कि आपका स्टॉप लॉस वाला जो प्राइस है वो हिट हो तभी आप उसको एग्जिट करोगे. देखो बाटा में अगर मान लो कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल अच्छी सी बनती है देन हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा. सो ग्लोबल अभी मार्केट की वजह से ऐसा थोड़ा फॉल आया है. ये देखो बजट पेंड में ट्रेड सेटअप बना है यहाँ पे, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो. बट जो भी ट्रेड करो अभी स्पेशली मैं अभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जब भी ट्रेड करो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, कोई रैंडम एंट्री एग्जिट नहीं करो एंड स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो. आपका एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो नेक्स्ट आपका काम होना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगा के रखना एंड टारगेट का अलर्ट सेट करना, ताकि जैसे आपका टारगेट प्राइस आए आप स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को मॉडिफाई करके आप अपना उसको टारगेट प्राइस कर सकते हो. ये देखो ब्रिटानिया में आज हमें फिर से डोजी मिल गई है, तो एक दिन और हम अब वेट करेंगे. अगर इस टाइप की हमें ग्रीन कैंडल कल मिल जाती है तो फिर हम उसमें ट्रेड करेंगे. ये थोड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट भी है जैसा कि आप लोग सबको पता ही होगा न्यूज़ वगैरह देख के. मैं उतना बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़ फॉलो नहीं करती हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं आई बिलीव चार्ट रीड करने पर मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ. इसीलिए यहाँ पे देखो कोफोर्स में तो अब गैप ही हो गया है, गैप डाउन हो गया है. तो अब हम इसमें जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक तो हम इसमें कुछ देखेंगे ही नहीं. सो आज मुझे FMCG के स्टॉक्स अब दिख रहे हैं, रेस्ट हम सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डाउन है. देखो FMCG डाबर के स्टॉक्स पे देखो ग्रीन है. सो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी जैसा हमने बात किया था, इस टाइप की ग्रीन कैंडल. तो देखो काफ़ी अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिली है. ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये ग्रीन कैंडल है. तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, डाबर में आप सेटअप देख सकते हो. बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना तभी ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपको बचाता है इन सारे सिचुएशंस में एंड आप तभी फियरलेस हो सकते हो. राइट, देखो डॉक्टर लाल पैथलैब में हमारा ऑलरेडी एक ट्रेड ऑन गोइंग है, यहाँ पे एक और हमारा सेटअप बना है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो. एक ट्रेड हमारा ऑलरेडी ऑन गोइंग है, 3 कैंडल्स का स्विंग है इसीलिए मैंने उसको बोला कि वहाँ पे ट्रेड सेटअप है. ये देखो फेड बैंक में आज गैप डाउन हो गया, तो अब तो जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तब तक हमें उसको देखना ही नहीं है. गैप्स वाले स्टॉक हमें नहीं देखने हैं. निफ्टी में भी गैप बन चुका है. ग्लैंड फार्मा में देखो यहाँ पे अच्छी सी आज ग्रीन कैंडल बन गई है, तो आपको अगर सही लगे तो आप देख सकते हो ग्लैंड फार्मा भी. तो डरना नहीं है बिल्कुल भी. काफ़ी हमें मेल्स आए थे क्या करें स्टॉक लिया हुआ है क्या करें, तो आपको कुछ नहीं, आपका जो भी स्टॉप लॉस प्राइस है आप उसी पे एग्जिट करो. इन सब नॉइस पे ध्यान मत दो, ये सब तो होएंगे ही ना मार्केट में हो अगर आप, तो ये तो होएगा ही ना. फॉल भी आएगा, राइज भी आएगा, सब कुछ होगा. तो इससे आपको डरना नहीं है. एक्चुअल में देखो बहुत ब्यूटीफुल आज हमारा ट्रेड सेटअप बना. जैसा हमने देखो मार्क करके रखा था ग्रीन कैंडल यहाँ पे, वैसे ही हमें ग्रीन कैंडल मिली है. तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो. FMCG आज ग्रीन में था एंड IT के स्टॉक्स आज काफ़ी सेलिंग हुई है IT के स्टॉक्स में. तो अपने सेटअप पे आपको बिलीव करना है. ये तभी आएगा, बिलीव आपको तभी होगा जब आप उसको बैक टेस्ट करके रखोगे अच्छे से, तभी आपको बिलीव आएगा. ये देखो शूटिंग स्टार है, तो
हम एक और कैंडल का वेट करेंगे, यहाँ पे एक और अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है। तो बाकी आपको कोई भी डर लगे, कुछ भी हो, तो आप आराम से हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। ओके, इंडस टावर में देखो, अब अगर कल के डेट में यहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, लाइक दिस वन, मैं मार्क कर देती हूँ, इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा सेटअप, अच्छा सेटअप बनेगा इंडस टावर में। नौकरी में देखो, हमारी आज एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है इस वाले कैंडल पे, तो आपको 3 दिन वेट करना। इन्फोसिस में गैप बन चुका है, यहाँ पे देखो गैप बन चुका है, तो ये गैप जब तक फिल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करना है। एंड इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है, आप देखना चार्ट्स पे जाके, इन्फोसिस में आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है। आज आईटी के स्टॉक्स काफ़ी, निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई में आया था, बट आईटी के स्टॉक्स में आज लगता है सेल ऑफ हुआ है, इसीलिए मोस्टली आईटी के स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं रेड में। FMCG एंड फार्मा आपको ग्रीन में दिख रहा है। तो ये वन डे के ट्रेंड से आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना, आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है। जब भी आप देखोगे आपको ओवरऑल देखना है, राइट। मैरिको में देखो, यहाँ पे अच्छा सेटअप मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये शूटिंग स्टार है, तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे, अगर हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तो हमारा सेटअप बनेगा। मैक्स फिन में भी देखो शूटिंग स्टार है, सो वेट फॉर वन मोर गुड ग्रीन कैंडल। देखो इसमें भी गैप बन चुका है, एम्फेसिस में भी। आईटी में आज गैप डाउन हुआ है, मोस्टली सारे स्टॉक्स में गैप डाउन दिख रहा है मुझे, निफ्टी आईटी में भी गैप डाउन हुआ है। चलो आगे चलते हैं, तो डरना नहीं है, ये सारे बहुत से आप लोग में से बहुत से लोग बिगनर होंगे, इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा इतना फॉल आ गया, इतना फॉल आ गया, इन सारी चीज़ों से कभी डरना नहीं है। ओके, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो एंड ट्रेड करो। देखो पेट्रोनेट में अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल कल बनेगी, यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल अगर बनेगी इस टाइप की, मैं मार्क भी कर देती हूँ, इस टाइप की अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा सेटअप बनेगा। एज ऑफ नाउ तो अभी कुछ भी नहीं है, चलो आगे चलते हैं। तो मेरे पर्सनली भी 5-6 पोजीशंस ओपन हैं, बट मुझे पता है कि मेरा अगर सारे मेरे स्टॉक्स भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो मुझे मैक्सिमम कितने का लॉस होगा मुझे पता है, इसीलिए मैं रिलैक्स इसी तरह मैं इसको डील करती हूँ, जैसा मेरा आज का टॉपिक भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे पर्सनली हैंडल करती हूँ इन इन फॉल मार्केट फॉल एंड क्रैश को। तो आप लोग भी पर ट्रेड रिस्क ऑलवेज सेम लो, ऐसा नहीं कि किसी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए तो 5% कैपिटल के 5% का रिस्क ले लिया, एंड किसी में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो कम रिस्क ले लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो टाटा कंज्यूमर में एक सेटअप बना है आपका, मोस्टली सारे आज लग रहा है FMCG में आपको ग्रीन दिख रहा है सेटअप, तो इसकी कैंडल भी बड़ी है तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, बट कैंडल बड़ी है तो आपके रिस्क मैनेजमेंट बैठे तभी आप देखना। ओके, टाटा मोटर्स में देखो गैप हो गया है, गैप डाउन हो गया 3 कैंडल्स में, तो ये तो सारे जो फॉल है ये तो अपने बिजनेस का पार्ट है, आपके हाथ में ये नहीं है, आपके हाथ में है बस आप कितना रिस्क ले रहे हो वो आपके हाथ में है, ट्रेड सेटअप, अच्छे ट्रेड सेटअप लेना आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, जैसा स्पोर्ट्स में आपको पता है रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, राइट। ये देखो यहाँ पे अब थोड़ा एक दिन और नीचे आता है प्राइस एंड अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा सेटअप हो सकता है। चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ मार्केट फॉल को। सो निफ्टी में देखो आज एक और गैप बन चुका है यहाँ पे, राइट। तो अब तो जब तक ये दोनों गैप फिल नहीं होता है बाई के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, हम वेट करेंगे ये गैप फिल हो जाए, तो या तो निफ्टी ये इस ट्रेंड लाइन तक और कल एक फॉल आके इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए जा सकता है, या तो फिर ये यहीं से ये वापस ऊपर जा सकता है, गैप को फिल कर सकता है। तो अभी निफ्टी में एकदम वेट एंड वॉच है, अभी कुछ भी करने जैसा नहीं है, बाई तो बिल्कुल भी नहीं करने जैसा है। एंड इस अगर ट्रेंड लाइन को निफ्टी तोड़ देता है देन फिर नेक्स्ट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है ना, उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी, कुछ भी आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है, बस देखते जाओ मार्केट में क्या हो रहा है एंड पैनिक नहीं होना है। चलो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में देखो इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है, तो ये सपोर्ट एरिया, अब इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया आपको लाइन दिख रहा है यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी, उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर एक ये सपोर्ट एरिया यहाँ तक आ सकता है।
सो जस्ट वेट एंड वॉच है, अभी कुछ करने जैसा नहीं है, वेट एंड वॉच है। एंड हमने ये बात किया था ऐसी रेड कैंडल अगर यहाँ पे बनती तो शॉर्ट का सेटअप बनता, बट अब तो आज वहाँ पे गैप डाउन ही हो गया, तो बैंक निफ्टी में भी बाई अभी नहीं होगा जब तक ये गैप फिल नहीं होता है तब तक। सो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, देखो चार्ट को रीड करो, चार्ट पे क्या दिख रहा है, एंड स्ट्रैटेजी पे अपने अच्छे से ट्रस्ट करो, एंड उस पर ही ट्रेड लो, उस पर ही एग्जिट करो, एंड रिस्क मैनेजमेंट करो। सो डन फॉर द डे। ये दोनों शीट्स आपके पास नहीं है तो बिल्कुल ले लो, आप आपके पास ये रहना बहुत ज़रूरी है। जिसकी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डजेंट मैटर, ये दोनों शीट्स आप हमसे ले लो, ताकि आप किसी और की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो आपको डर नहीं लगे कि आप रिस्क मैनेज आपका हो सके। हमें ये बिल्कुल भी शर्त नहीं है आपके लिए कि आप हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तभी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप किसी और को भी फॉलो करते हो तो आप हमसे ये ले सकते हो बिल्कुल। सो आप कमेंट करो, आपको मिल जाएगी। सो डन फॉर द डे। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करो, कोई डर लगे कमेंट करो, कोई हेल्प चाहिए कमेंट करो, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करो। मिलते हैं कल के स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में, एंड अच्छे से ट्रेड करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी न्यूज़ वगैरह देख के। ओके सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।